वेलकम टू खन्ना न्यूज लाइव। खन्ना विखे बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग हुई, जिस विच बसपा प्रधान जसवीर सिंह गड़ी ने कहा कि उन्होंने पार्टी जलंधर उपचुनाव लड़न की इच्छुक है, जिस बारे अकाली दल नाल मीटिंग भी हो गई है। अंतिम फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती लेंगे। उन्होंने आनंदपुर साहब विखे न्यंग सिंह दे कतल की सख्त शब्दों विच निंदा की है। बंदी सिंह की रिहाई के मुद्दे उपर विधानसभा विच मता रद्द करने बारे गड़ी ने कहा कि आप सरकार दोगली नीति अपना रही है। मीटिंग विच साबका प्रधान अवतार सिंह करमीपुरी भी पहुंचे। उन्होंने बंदी सिंह की रिहाई नू लेके पंजाब सरकार नू घेरिया। बहुजन समाज पार्टी वालों साहब कांशी राम जी का नीता करते 15 मार्च जलंधर, जिथे कि बाई इलैक्शन भी आ रहा है, हर साल पार्टी प्रोग्राम मनाती है। इस बारी भी सूबा पद्धरी वर्कर सम्मेलन जिहड़ा असीं मना रहे हैं, जिहड़ा 2022 दीआं चोणां तों बाद 2024 की जिहड़ी तैयारी का जिहड़ा आगाज़ है, और लोकसभा जी बाई इलैक्शन उन्होंने मजबूती लड़न के लिए असी ये जो बड़ा प्रोग्राम है जो कर रहे हैं। हालांकि असी इधर वर्करां सिर्फ एक असैंबली में छोटा छोटा ही टारगेट दिता, तुसी मीटिंग का सुन भी लिया, लेकिन उधर असी बड़ी तैयारी कर। जिस तरह देख रहे हो कि बाई इलैक्शन भी आ रही है जी, सीट को लेकर भी चर्चावां हो रही ने कि बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी या अकाली दल उत्थों लड़ेगा। देखो, बहुजन समाज पार्टी का जो जलंधर लोकसभा का वर्कर है और पूरे पंजाब के वर्कर जो भावनावां आ, वो ये चाहुंदियां आ कि बहुजन समाज पार्टी जलंधर लोकसभा नूं लड़े। और साडी अकाली दल नाल मीटिंग हुई सी, अकाली दल ने भी अपनी भावना व्यक्त की कि यह इलैक्शन अकाली दल लड़े। दोए पार्टियां अज दे दिन पंजाब दे विच असी अपनी अपनी चाहत जिहड़ी उह प्रगट कर चुके हैं, और उहदा सांझा फैसला जिहड़ा आउणा आ उह बसपा दे राष्ट्रीय प्रधान भैण कुमारी मायावती जी दा आउणा है। असी उन्होंने फैसले के इंतजार से, जिदा भी वो फैसला देने उदा पार्टी करेगी। पंजाब के जो हालात ने जो लॉ एंड ऑर्डर के उन्होंने लैके की कहोगे जी? देखो, लॉ एंड ऑर्डर तो सारे लीडर और पंजाब की सारी जनता ये जानती है कि सची मुची बिगड़िया हुआ दुख की घटना जेडे नाल सची मुची अच्छ सारे पंजाबियों का दिल रो रहा। एक भी 25 साल का नौजवान जोड़ा रात आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह की धरती से खालसे दे जन्म दिहाड़े मौके होले महल्ले मौके जिहड़ा शहा मारिया गया, कतल किया गया बड़ी बेरहमी दे नाल, कनेडा का PR सेवा करन आया पंजाब की मिट्टी की पंजाबीयत की, वो बड़ी दुख की गल। अज के दिन जे कही जे आप उस लाश में उन्होंने डिगदे देखिए वीडियो, सच्ची दिल रोंदा यार भी ये पंजाब थोड़े सा, क्या ये साडियां पंजाबियां दीआं रौह रीतां थोड़े हैगियां कि साढ़े अंदरों सबर ही खत्म हो जाना, साढ़े अंदर सहनशीलता ही खत्म हो जानी। ये छोटी छोटी गल्लां दे उत्ते असीं एक दूजे नूं बढ़ टुक कर दईए। अज जोगी नहीं रहा कि पंजाब दे विच इदां दा कल्चर पैदा कर दिता हकूमतां ने कि दो गड्डियां एक दूजे दे सामने आके खड़ जाण तां शीशे खोल के मां दी भैण दी गालां गाली पता नहीं क्या क्या इत्थे लोक गाली गलोच करते आ, कितें एक दूजे नाल तुरे जाते कह जाओ, सहनशीलता खत्म है। पंजाब नूं मैनूं इदां लगता आ कल दे होले महल्ले तों बाद सारे धर्मां नूं सारियां जातां नूं पंजाब दे लोकां दा सुभाअ पंजाब दे लोकां दा कल्चर इहदे च बहुत वड्डा बिंग पै गया आ, इहनूं सेध वेध करन दे लई सानूं सारिआं नूं योग उपराले करने चाहीदे। विधानसभा दे विच अपने प्रतिनिधि ने भी ते अकाली दल दे प्रतिनिधियां ने एक मता लैके आंदा सीगा बंदी सिंघां दी रिहाई दा, उह स्पीकर साहब वल्लों जवानी वोटिंग करा के रद्द करा दित्ता गया, की समझोगे जी? देखो, साहब काशी राम जी की अगुवाई च भैण कुमारी मायावती जी की सरकार 1995 पहली बारी बनी साडी सरकार, 1997 असीं दूजी वारी सरकार बनाई 6-6 महीनों में। भाई मेजर सिंह जी बंदी सिंह सी उस वेले जिहदी सज़ा पूरी हो चुकी सी, बंदी सिंघां दे अंदोलन लड़न वाले नुमाइंदे उदों साहब काशी राम जी कोल गए, और साहब काशी राम जी ने बकायदा उत्थे उह सारी जाँच पड़ताल करा के विद इन डेज भाई मेजर सिंह नूं रिहा करवाता सी। इह बसपा दी सरकार दी कारगुजारी। हुण आउणे आ आपां पंजाब दे विच 9 बंदी सिंह वा जिन्हां नूं बसपा दे MLA डॉक्टर छत्रपाल ने बड़े विस्तार नाल विधानसभा च बोलिया, कल्ले कल्ले दा नौ लैके, और ये उदाहरण भी दित्ती कि जदों हाथी वालियां दी सरकार सी बंदी सिख असीं पहल दे आधार ते छड्डे, क्योंकि साढ़े तां भरा ने भावुकता दे विच आ के उन्होंने अपनी इज्जत और अणख दी लड़ाई लड़ी, और उन्हां ते जुल्म एड्डा वड्डा होया कोई 30 साल तों, कोई 20 साल तों, कोई 15 साल तों, कोई 5 साल ज़्यादा जेल च कट रहा, कोई 20 साल ज़्यादा कट रहा, कोई 15 साल। जद देश दे प्रधानमंत्री दे कातल राजीव गांधी दे कातल रिहा हो सकते आ, ते साडे बंदी सिंह क्यों नहीं रिहा हो सकते? जदों
तक भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को रिहा कर रही है। गुजरात देखा ना 15 अगस्त वाले दिन किया उन्होंने कि फिर साढ़े बंदी सिख जो कौम और धर्म लिए लड़न वाले आ जिन्हों का करैक्टर और उन्हों का जो कार विहार है जेल का बड़ा उच्च पाईदा आ बहुजन समाज पार्टी उन्हों की समर्थन करती है उन्होंने रिहा किया जाना चाहिए। और जिहड़ा कल विधानसभा के विच गवर्नर के भाषण के उत्ते बहुजन समाज पार्टी ने जी मद रखी सी कि बंदी सिखा की रिहाई का मामला गवर्नर के भाषण से जोड़िया जाए भाव सरकार की नीति से जोड़िया जाए आम आदमी पार्टी की पॉलिसी उन्होंने रद्द किया बड़ा मन भाता है। यदा मतलब आम आदमी पार्टी जी जो बोले सो निहाल करके वोटा तो लेंदी रही सिखा भड़का भड़का लेकिन वह बंदी सिखा की रिहाई नहीं उस हिरदनी है। बहुजन समाज पार्टी यदि निंदा करती है और अपील करती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। देखो बहुजन समाज पार्टी संविधान को मनने वाली पार्टी है। असी ये महसूस करते हैं कि कानून तो उपर कुछ नहीं है और कोई नहीं है। साडा संविधान यह कहता कि जे कोई भी किसी तो गलती हुई या क्राइम होया अगर उन्हों अदालत वालों दिती गई सज़ा उन्हें कंप्लीट कर ली है तो उस तो बाद उन्हों अंदर बिठा के रखना ये ह्यूमन राइट्स की टोटली वायलेशन। इस करके मैं महसूस करता कि स्पष्ट हो गया कि आप भी ओही पाप कर रही है, आप दी सरकार भी ओही पाप कर रही है जेड़ा पहलियां सरकारां पंजाब च कर दिया रही है। तो इस करके बहुजन समाज पार्टी दा स्टैंड स्पष्ट है और साडा ये कहना साडी सरकार यूपी च बनी सी ते असी उदों भी उत्थे कुछ साथियों नूं रिहा कीता सी और साडा पंजाब च भी ये कहना बंदी सिंघां दे नाल नाल जेलां दे विच कुछ ऐसे मजदूर गरीब भी बैठे जिन्हां ने अपनी सजा पूरी कर ली होवा लेकिन सरकारां कोई ना कोई रीजन दे के उन्हां नूं रिहा नहीं कर रही। तो बहुजन समाज पार्टी की पंजाब की सरकार नूं इह सलाह है कि संविधान का आदर करते हुए संविधान दीआं भावनावां का सत्कार करते हुए और जनता दीआं भावनावां का सत्कार करते हुए सकारात्मक कदम लाए। खन्ना तो परमजीत सिंह धीमान की खास रिपोर्ट।